रूस यूक्रेन जंग को लेकर के क्या है अपडेट? कुप्यांस में यूक्रेन ने दिया रूस को करारा जवाब। बेलग्रोड में यूक्रेनी हमले को कैसे रूस ने किया नाकाम। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन ने रूस को दी चुनौती। वॉर फ्रंट से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखाते हैं रूस वर्सेज यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के कुप्यांस में कब्जे को लेकर जंग जारी है। रूस की सेना कुप्यांस में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमले कर रही है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने काउंटर अटैक करते हुए रूसी टैंक को उड़ा दिया। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी सीमा के भीतर बेलग्रोद को निशाना बनाने की कोशिश की है। रूस ने दावा किया है कि उसने बेलग्रोद के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने बेलग्रोद को कई बार ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन रूस ने हर बार हमले को नाकाम करने का दावा किया है। बैटलफील्ड में रूस की 127वीं एयरबॉर्न इन्फेंट्री डिवीजन की 394 नंबर की मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट ने यूक्रेनी टैंक पर हमला बोला है। पूर्वी यूक्रेन के वॉर जोन से गुजर रहे यूक्रेनी फौज के टैंक को रूसी सेना ने उड़ा दिया। इसके साथ रूस ने यूक्रेन की कई और बख्तरबंद गाड़ियों को भी निशाना बनाया। बैटलफील्ड में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक जारी है। यूक्रेनी सेना ने BM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। यूक्रेनी सेना ने MLRS से रॉकेट दागकर रशियन पोजीशन के धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन की सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमले को अंजाम दिया। रूसी फौज ने वॉर जोन में यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स के जवानों पर अटैक हेलीकॉप्टर से ग्रेनेड गिराया। रूस के इस हमले में एक यूक्रेनी जवान बुरी तरह से घायल हो जाता है, जबकि दूसरा जवान ग्रेनेड गिरने से ठीक पहले थोड़ा आगे निकलने में कामयाब हो जाता है। ज़ापोरिज़्या के एनहोदर में रिहायशी इलाका ड्रोन अटैक से दहल उठा। यूक्रेन के ड्रोन हमले की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें हमले से पहले एक महिला जाती हुई नजर आ रही है। तभी इमारत की दीवार से आकर एक ड्रोन टकराता है। ड्रोन अटैक के बाद महिला भागते हुई नजर आ रही है। इमारत भी इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसकी सेना के भीषण प्रहार के बाद रूसी सेना सैन्य डिपो छोड़कर भाग गई। वीडियो में रूसी सैनिक दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे से गोलियों की आवाज नजर आ रही है। यूक्रेन ने रशियन बंकर पर भी हमले की तस्वीर जारी की है। डोनेस के बखमुत में एक बार फिर यूक्रेन की सेना हमले कर रही है। टैंक से रशियन पोजीशन पर गोले बरसा रही है। यूक्रेनी सेना ने सेपरेट अलर्ट ब्रिगेड के हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें उसके जवान टैंक बारूदी बौछार कर रशियन कमांड पोस्ट को तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनेस्क के अवदीवका पर रूसी सेना ने एक बार फिर मजबूत पकड़ बनाने का दावा किया है। डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक के चीफ डेनिस पुशेलन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने अवदीवका इलाके में यूक्रेनी पोस्ट पर भीषण हमले किए हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेनी सेना पीछे हटी है।